So we will go to our topic. So now actually my main topic is kingdom Animalia. Okay? So as I told you, so I will first I as I promised you, we'll finish the syllabus. ठीक है? तो जो जो टॉपिक सिलेबस में नहीं है वो नहीं कराया जाएगा, वो अगर हुआ तो बाद में कभी हम लोग करेंगे. थैंक यू. ना लुकिंग आपका जो एग्जाम एग्जाम है वो सारा एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार होगा, तो इसलिए अकॉर्डिंगली फर्स्ट हम लोग सिलेबस खत्म कर देंगे. तो अगर आपने ध्यान दिया है तो इन जूलॉजी, ओके, सो क्या क्या टॉपिक्स है हमारा, मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि आपको पता चलेगा कि मैं क्या कराऊंगा. तो इन जूलॉजी फर्स्ट वी विल डील विद एनिमल टैक्सोनॉमी, है ना, एनिमल टैक्सोनॉमी या उसको एनिमल किंगडम बोलते हैं, ये बहुत बड़ा टॉपिक है. उसके बाद है एनिमल टिश्यूज, ठीक है, आपका कॉकरोच हट गया है. नेक्स्ट उसके बाद आ जाएगा बायोकेमिस्ट्री एंड एंजाइम्स, ठीक है. तो द थर्ड टॉपिक दैट आई विल टीच इज बायोकेमिस्ट्री एंड एंजाइम्स. उसके बाद जो फोर्थ टॉपिक है ये हमारा हाफ ईयरली तक का सिलेबस हो जाता है, ठीक है. नाउ क्या हुआ इडियट लोगो, तुम लोगों ने बोला था कोई बकबक क्या करो, म्यूट करो यार. अब घर का लड़ाई आके तुम क्लास में लड़ोगे कैसे होगा. चलिए, सो नाउ एक्चुअली सो वी विल गो बैक टू आवर स्क्रीन. तो उसके बाद हम लोग जो करेंगे, तो द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी विल डिस्कस इज व्हाट, इसके बाद आ जाएगा आपका एनिमल फिजियोलॉजी. तो ये बेसिकली पोस्ट आपका हाफ ईयरली है, एनिमल फिजियोलॉजी. तो उसमें आपका आ जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम, ये शायद काट दिया है डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, मसल कॉन्ट्रैक्शन, बाकी सब काट दिया है, मसल कॉन्ट्रैक्शन. उसके बाद आ जाएगा आपका क्या, नर्वस सिस्टम, सेंस ऑर्गन काट दिया है एंड एंडोक्राइन सिस्टम. सो दिस पार्ट ऑफ द टॉपिक्स आई विल बी हैंडलिंग, ओके. सो दिस इज बायोकेमिस्ट्री, ठीक है. सो दिस इज द टॉपिक दैट आई विल बी हैंडलिंग. तो इसीलिए एज वी हैव स्टार्टेड, तो आई हैव टू टीच यू किंगडम एनिमेलिया. बट बिफोर दैट जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करके फिर आगे चलेंगे किंगडम एनिमेलिया. तो ओके, सो दिस इज द टॉपिक दैट आई विल टीच. तो उसमें हम लोग सबसे फर्स्ट टॉपिक चले जाएंगे इंट्रोडक्शन, ठीक है. नाउ इंट्रोडक्शन में एक्चुअली सबसे पहले, ओके, सो नाउ ओके, सो ऑल ऑर्गेनिजम्स वर अर्लियर क्लासिफाइड इनटू टू टैक्सॉन्स, ओके, बाय एरिस्टोटल, ठीक है. तो इसको एरिस्टोटल ने किया था, सपोर्टेड इन द न्यू वर्ल्ड, क्योंकि एरिस्टोटल यूज टू एग्जिस्ट इन बीसीज, तो सपोर्टेड इन द न्यू वर्ल्ड बाय क्या, लिनेस, ठीक है. तो सपोर्टेड इन द न्यू वर्ल्ड बाय लिनेस, ठीक है, ये उनका कंसेप्ट है. सिमिलर क्लासिफिकेशन इज डन इन द चंद्रयोग उपनिषद, ओके. तो चंद्रयोग उपनिषद में भी एक सिमिलर क्लासिफिकेशन किया गया था. चंद्रयोग उपनिषद इंडियन है एंड दिस इज योर आउटर. तो व्हाट आर द क्लासेस दे, व्हाट आर द किंगडम्स दे क्रिएटेड. तो सबसे पहला जो किंगडम वो लोग क्या क्रिएट किए बताइए,
Which kingdom was first? Kingdom Plantae. Plantae. Okay. And उसको Indian classification में क्या कहते हैं? स्थावर. Okay, स्थावर. स्थावर means fixed organisms. ठीक है, तो ये हमारा चंद्योग उपनिषद का क्लासिफिकेशन है. एंड किंगडम नंबर टू जो था, किंगडम नंबर टू वाज एनिमलिया या एनिमल्स. ठीक है, एनिमलिया. तो उसको इंडियन में क्या कहते हैं हम लोग? जंगम. तो जंगम का मतलब है मोटाइल, जो चल बुल सकता है. ठीक है, सो एक्चुअली ये मैं आपको नॉर्मली बताऊंगा क्योंकि ये सारा आपको पढ़ाएंगे सीपी सर. ठीक है, तो ये मैं सिर्फ ऊपर ऊपर कहना डायरेक्टली स्टार्ट कर दे असुविधा लगुची सही पे. ठीक है, ठीक है, ऊपर ऊपर भाषी के हमें पढ़ेगा. ओके, सो किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमलिया. तो ये जो किंगडम प्लांटी है एंड किंगडम एनिमलिया में उन्होंने उस समय के ऑर्गेनिज्म को रखा. बट इसमें प्रॉब्लम एरिया कौन था आपको पता है? व्हाट वाज द प्रॉब्लम एरिया इन दिस क्लासिफिकेशन? बताइए. डोंट यूज चैट. आई डोंट यूज चैट इन द क्लास. ये तो आपका वो आकाश वाला नहीं है कि साइड में चैट आता है, तो इसलिए यहाँ आई कैनॉट यूज चैट. व्हेन आई एम यूजिंग ब्लैक बोर्ड आई कैनॉट यूज चैट. ठीक है, चलिए. तो ए इशारा श्रेणी. तो प्रॉब्लम एरिया जो है वो क्या है? दैट यू कैन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स वर नॉट प्लेस्ड प्रॉपरली. है कि नहीं? वर नॉट प्लेस्ड प्रॉपरली. क्यों? उन्होंने देखा अच्छा ये ग्रीन ग्रीन है माइक्रोस्कोपिक, इसको प्लांट में डाल, प्लांट में डाल दिया तो यूग्लिना प्लांट में चला गया. उसी तरह जो थोड़ा नॉन ग्रीन था उसको एनिमल कर दिया. एंड इस तरह से दे क्लासिफाइड द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स ब्लंटली. किसी को इधर डाल दिया, किसी को उधर डाल दिया, नॉट सेटिस्फैक्टरी प्लेस. ठीक है, तो इसीलिए इस कंसेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं? दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड बेसिकली द टू क्या किंगडम क्लासिफिकेशन. ठीक है, तो ये आपका टू किंगडम क्लासिफिकेशन है. नाउ ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन से आपको ये आपका बेसिक्स है. तो अब थोड़ा सा हम लोग अदर देखेंगे, व्हाट आर द अदर पॉइंट्स. तो वी विल डिस्कस. ओके, सो नाउ लेट्स गो टू दिस टॉपिक. तो आप ये आप देख रहे हैं, आर यू एबल टू सी द स्क्रीन प्रॉपरली? यस सर. सो यहाँ क्या देख रहे हैं? द लिविंग ऑर्गेनिजम्स वर ग्रुप्ड इन टू किंगडम सिस्टम बाय कैरोलस लिनेयस हु इज आल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी. ओके, तो कैरोलस लिनेयस को हम लोग फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी बोलते हैं. अंडरस्टूड? ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी. नाउ एक्चुअली ही इज कंसर्न्ड विद नोमेनक्लेचर. तो उन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर प्रपोज किया था. तो एक्चुअली उनका नाम क्या था? डू यू नो हिज नेम? हिज नेम वाज कार्ल वॉन लिन. एक्चुअली हिज नेम इज नॉट कैरोलस लिनेयस, हिज नेम इज कार्ल वॉन लिन. तो उन्होंने अपना नाम को भी बायोनोमियल एंड लैटिनाइज कर दिया. ओके, सो कैरोलस लिनेयस इज द लैटिनाइज नेम ऑफ कार्ल वॉन लिन. तो अब किस किस को उन्होंने प्लांट में रखा? दे हैव ए सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. इनऑर्गेनिक क्रिस्टल सेल्स में होते हैं. ये आपको पता नहीं होगा अभी. यू नो आई कैन किल अ मैन यूजिंग ग्रास. घास से तुमको मारते भी क्यों मालूम है? कैन एनीबडी टेल? एनीबडी हैज रेड इट? हाउ आई कैन किल यू विद अ ग्रास?
You know, to tell yes. You don't know, tell no. Don't eat my time. No, sir. आप पास करेंगे, आपको नहीं आता है तो इमिडिएटली पास करेंगे. कहेंगे ना हमारा समय बहुत, देखो जे जे सर से सब पढ़ना है तो आपको समय देना होगा. ओके, आप देख रहे हो कि नहीं, जो जिसने जो जो लोग आधे लोग तो वीडियोस देखे हैं, सब्सक्राइब किए हैं, आधे लोग नहीं किए हैं. जो लोग देखे हैं देख रहे हो, एक एक टॉपिक आधा एक घंटा का हो रहा है, तो वो आपका नहीं हो सकता क्योंकि स्कूल में उतना वक्त नहीं मिलता है. इसलिए आप जल्दी जल्दी टाइम देंगे. ओके, पास करेंगे नहीं आता है तो. एक्चुअली जो घास में उनका जो एजेस होता है ना, उसके एजेस में इनऑर्गेनिक क्रिस्टल्स होते हैं ऑफ सिलिका. सो उससे हम लोग, उससे वो बहुत शार्प हो जाता है. अगर आप यदि तुम गोटे धान बिल दौड़ी की पड़े ना, तुम देह हाथ चिरी पूरा, बिकॉज ऑफ दैट शार्प एजेस. आपका भी ध्यान देना. ओके, नाउ सेंट्रली प्लेस लार्ज वैक्यूम. दैट शार्प एजेस मेड अप ऑफ सिलिका सर. यस यस, वही तो मैं बता रहा हूँ ना. Then how do the farmers work? So they don't run in the khet na. They manage properly. Sir, this happens only in case of grass. Bhai, maine grass never ask such nonsense questions again in your life. Okay, in biology you cannot tell. How I will know? Do I know all plants in the earth? So isliye apne क्वेश्चंस का कंट्रोल करो. ठीक है, चलिए सोच के पूछा करो. हाउ वेल आई नो इट इट इज ओनली इन ग्रास और अदर्स? आई डोंट नो एवरी प्लांट इन द अर्थ, है कि नहीं? चलिए, एंड वो आप जब पढ़ोगे ना सेल में तो आपको समझ में आएगा. वो इस टॉपिक का डिस्कशन नहीं. चलिए ना, इसलिए आप जब डाउट्स पूछेंगे तो सोच के पूछेंगे कि क्लास को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. नाउ सेंट्रली प्लेस्ड लार्ज वैक्यूल, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता ही है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आप जानते नहीं हो. ओके, ये भी इसका कोई इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है. फोटो ऑटोट्रोफिज्म इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको हम लोग होलोफाइटिक न्यूट्रिशन भी बोलते हैं. एंड रेस्पॉन्स टू स्टिमुली, पहले लोग सोचते थे प्लांट्स डोंट रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली, बट वन ऑफ आर ओन डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस, ही सेड that plants also feel, hai ki nahi? So that is the case, and reserve food is starch. So ye aapka plant kingdom ke points ho gaye. Okay, now animal kingdom mein kya kya aa jayega? Do not have cell wall. Okay, vacuoles are small and scattered, almost har system hota hai, hai ki nahi? Chaliye, to aapko ye sab screenshot to nahi chahiye. अगर चाहिए तो मुझे फिर क्लिक करना पड़ेगा. ओके, तो आप लोग तो बड़े बड़े बुक्स, और आप ये पीडीएफ भेज सकते हैं क्या ग्रुप में? नहीं, वो तो आपको भेजा ही जाता है. ओके, इसलिए आप लोग अभी समझने पे ध्यान दो, आपको स्क्रीनशॉट ग्रुप में मिल जाएगा. अभी भी ग्रुप में कुछ बच्चे एडेड नहीं है, आई डोंट नो हु आर दे. चलिए, सो एनिमल किंगडम जो है, अब उसमें हमने क्या देखा कि उसमें देर इज नो सेल वॉल. ओके, उसमें क्रिस्टल्स नहीं होता, ये आपको नहीं लिखने से चलेगा. वैक्यूल स्कैटर्ड होते हैं, स्मॉल एंड स्कैटर्ड वैक्यूल. डेफिनेट सिस्टम्स मिल सकता है. डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट, इसीलिए दे आर हेटरोट्रॉफिक. एंड किस तरह का हेटरोट्रॉफिक? इनजेस्टिव हेटरोट्रॉफी. प्लीज रिमेम्बर, हेटरोट्रॉफी जो है, ओके, हेटरोट्रॉफी, ओके, बेसिकली दो तरह का होता है. वो एक्चुअली इसमें नहीं आया है, ये तो लिखने वाला लिख देता है, बट अगर आप लिनियस के समय होते तो लिनियस को ये मालूम नहीं था. ओके, तो हेटरोट्रॉफी में ए है आपका इनजेस्टिव, माने गिलीवा, एंड बी है एब्जॉर्प्टिव, इसका मतलब एब्जॉर्ब करना. तो एब्जॉर्प्टिव किसमें होगा पता है? बोलो. एब्जॉर्प्टिव इज इन फंजाई, है ना? तो एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफी जो है वो फंजाई में होता है. ओके, चलिए, गुड. सो उसके बाद
देर इज क्विक रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। मैंने अगर आप कोई अगर आप सुनसान जगह में जा रहे हो ना, आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई पीछे से आ रहा है। यू कैन फील इवन समबडी बिहाइंड यू विदाउट इवन लुकिंग एट हिम, दैट इज द रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। रिजर्व फूड ग्लाइकोजन एंड फैट्स होता है, ठीक है। बट इस टॉपिक में प्रॉब्लम एरिया क्या था टू किंगडम क्लासिफिकेशन का? द ग्रीन एरिया या जो प्रॉब्लम एरिया इज बट माइक्रोजो ऑर्गेनिजम्स वर इंक्लूडेड इन बोथ किंगडम्स, फंजाई वर प्लेस्ड अमंग प्लांट्स। क्योंकि फंजाई, बिकॉज फंजाई फिक्स्ड है कि नहीं? तो फंजाई, सिंस फंजाई आर फिक्स्ड, उन्होंने क्या किया, फंजाई को डाल दिया प्लांट्स। बट यही उसका डीमेरिट्स। तो डीमेरिट्स में देखिए क्या क्या आ रहा है हमारा। सो डीमेरिट्स में आपका पहला पॉइंट क्या है, दैट फर्स्ट फॉर्म्ड ऑर्गेनिजम्स वेर नीदर प्लांट्स नॉर एनिमल। देखो टैक्सोनॉमी में याद रखना, हर समय जो पहला किंगडम होगा ना वो सबसे पहले आया होगा, अंडरस्टूड? एंड लास्ट किंगडम जो है वो सबसे बाद में इवॉल्व किया होगा। आपको सीपी सर पढ़ा रहे थे ना, नेचुरल क्लासिफिकेशन फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। तो नेचुरल क्लासिफिकेशन फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, तो व्हाट इज फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन आपको याद है? यस सर, क्या है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। यस सर, द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी। यस यस यस, हो गया हो गया। तो इसका मतलब है कि कौन पहले आया कौन बाद में आया, अकॉर्डिंगली क्लासिफिकेशन होता है। तो सबसे रिसेंट कौन सा है, अभी कौन सा चल रहा है? एनिमल। नो नो, कौन सा क्लासिफिकेशन सिस्टम अभी यूज हो रहा है? फाइलोजेनेटिक। नया, इसीलिए यस, इसीलिए आज के डेट पे आपको क्या करना पड़ेगा, जो सबसे प्रिमिटिव है उसको फर्स्ट किंगडम बताना पड़ेगा, जो सबसे एडवांस्ड है उसको सेकंड किंगडम बताना पड़ेगा। बट यहाँ तो फर्स्ट किंगडम प्लांट्स है, तो प्लांट्स आर नॉट द प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स। तो ये एक डीमेरिट था। फंजाई इज नो वे रिलेटेड टू प्लांट्स, उल्टा फंजाई हेटरोट्रॉफिक है, इसलिए फंजाई को प्लांट में डालकर एक बेवकूफी वाला काम किया गया। यूग्लिना, यूग्लिना जो है वो क्या है, वो ग्रीन है, तो इसलिए लोगों ने उसको प्लांट में डाल दिया। बट यूग्लिना जो है वो मिक्सोट्रॉफिक होता है, मतलब वो होलोफाइटिक भी होता है एंड वो सैप्रोबिक भी होता है। ओके, सो इसलिए उसका पोजीशन ठीक ठाक लगा नहीं। ओके, स्लाइम मोल्ड्स और आर अमीबा लाइक स्ट्रक्चर्स बट रिप्रोड्यूस इन फंजाई लाइक मैनर, तो दे आर पॉपुलरली कॉल्ड एनिमल ग्रुप बट आर प्लेस्ड इन प्लांट्स। तो ये सब ऑडवा मैंने ऑड थिंग्स था इस चीज में। यूनिसेलुलर एल्गी लाइक क्लाइमेडोमोनस आर मोटाइल, पोजेस रेगुलर शेप एंड हैव photosynthetic organelles. In all this manner, it resembles an animal cell but placed in plant. उसको प्लांट में क्यों डाला? क्योंकि photosensitive है, but motile है. तो motile मतलब हमने क्या लिखा था? Jungama, animals. But ये motile है, but हमने इसको प्लांट में डाल दिया. तो समझ रहे हो? मैंने इसमें दोनों का फीचर है, प्लांट का भी फीचर है एंड एनिमल्स का भी फीचर है. क्लियर? So this is the point of, this is the demerits basically. तो जब ये demerits था, तो अब हम लोग को क्या करना पड़ा? उसके लिए फिर और भी demerits है, okay? So उसके लिए फिर आपका three kingdom classification proposed हुआ. तो who proposed the three kingdom classification? Ernst Haeckel, okay? तो Ernst Haeckel was the man who proposed the थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। तो उन्होंने देखा कि माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम, तो उन्होंने क्या किया, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स के लिए एक नया किंगडम बना दिया एंड उसको बना दिया क्या, फर्स्ट किंगडम। सो दैट इज कॉल्ड प्रोटिस्टा। ओके, सो इसीलिए थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन से किंगडम आ गए आपके, प्रोटिस्टा, एनिमेलिया एंड प्लांटी।
ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, पहले पहले तो फंजाई को उन्होंने क्या किया, ओके फंजाई को प्रोटिस्टा में डाला, फिर देखा कि प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो फंजाई तो यूनिसेलुलर नहीं है, फिर जबरदस्ती उसको क्या किया उन्होंने, फिर उसको अगेन उसको वापस प्लांट्स में ले आए, अंडरस्टूड। तो अर्लियर दे प्लेस्ड फंजाई इन प्रोटिस्टा बट लेटर दे ब्रॉट इट बैक टू व्हाट प्लांट। सो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ द थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, कि अभी भी फंजाई को ठीक से प्लेस नहीं किया गया। तो इसलिए ए सेल्यूलर एंड मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, ए सेल्यूलर माने मोनेरा प्रोटिस्टा, मल्टी सेल्यूलर माने फंजाई, तीनों को इकट्ठा रख दिया किस में, प्रोटिस्टा में, तो गड़बड़ है कि नहीं। बैक्टीरिया एंड फंजाई आर ग्रुप विथ प्रोटोजोन एंड एल्गी, तो बैक्टीरिया तो प्रोकैरियोटिक है, तो हाउ आर यू प्लेसिंग इट विथ यूकैरियोट्स। तो ये हमारा प्रॉब्लम आ गया किसका, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। सो नाउ लेट्स गो बैक टू व्हाट आर यू टेलिंग एक्चुअली। डोंट से दिस गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, ओके व्हाई डोंट यू टीच इन ओडिया, इट इज नॉट एन ओडिया स्कूल। चलिए सो नेक्स्ट, आई यूज ओडिया बट स्टिल, चलिए ओके। तो इसीलिए अब हम लोग क्या करेंगे, वी विल गो बैक टू द बोर्ड। तो अब हम लोगों ने क्या किया, तो जब टू किंगडम क्लासिफिकेशन था, सोल्यूशन पे हम लोगों ने क्या किया, वी क्रिएटेड द थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, ओके। सो अब व्हाट वाज द प्रॉब्लम ऑफ टू किंगडम, उसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, हमने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किया। तो उसमें किंगडम वन क्या था, प्रोटिस्टा, इसमें क्या रख दिया, ऑल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, उसको डाल दिया किधर, इन प्रोटिस्टा। चलो भैया आप इधर मजे करो। सेकेंड किंगडम क्या बनाया, तो किंगडम नंबर टू उन्होंने बनाया प्लांटी, ओके प्लांटी। सो दे इसमें क्या रखा था, ऑल क्या, ऑल ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स को इसमें रख दिया, ओके अर्लियर, ओके चलो उसको बाद में हम डिस्कस करेंगे। तापरे थर्ड किंगडम क्या था, तो थर्ड किंगडम वाज एनिमलिया, एनिमलिया, ओके। सो दिस इज व्हाट, होलोजोइक एनिमल्स, होलोस माने टोटल, तो होलोजोइक का मतलब क्या है, होलोस माने टोटली, ओके टोटली, प्लस जोयन माने एनिमल्स, तो जो ऑर्गेनिज्म बिल्कुल एनिमल जैसा खाता है वो होलोजोइक है। नाउ इथरे प्रॉब्लम एरियाज कौन थिला, द प्रॉब्लम एरियाज वेर, तो फंजाई ओके प्लेस्ड इन प्रोटिस्टा फर्स्ट, ओके तो सबसे बड़ा टेंशन क्या हो गया, फंजाई को प्रोटिस्टा में डाल दिया, और बड़े बदतमीज आदमी हो, फंजाई तो यार मल्टी सेलुलर है, क्या किया जाए। फिर बैक्टीरिया एंड प्रोटिस्ट kept together, actually वो लोग गधे नहीं थे, उनके समय उतनी सुविधाएं नहीं थी, so they did not have microscope, they could not see, but धीरे धीरे जैसे समय बढ़ता गया उन्होंने देखा कि actually प्रोटिस्टा में दो तरह के organ cells को हमने रखा हुआ है, एक prokaryotic cell है and एक eukaryotic cell है, तो भाई ऐसा तो नहीं करना चाहिए, so इसलिए ये भी एक बड़ा issue हो गया। देन
इस इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या किया, तो इन ऑर्डर टू रिजॉल्व इट व्हाट दे डिड, सो लेटर दे शिफ्टेड, ओके सो लेटर दे शिफ्टेड फंजाई बैक टू प्लांटी, ओके भाई अब जो गड़बड़ था वो वही का वही वापिस कर दिया उन्होंने, उसको फिर क्या किया उसको शिफ्ट करके फंजाई को प्लांट्स में ले आए, ओके तो लेटर दे शिफ्टेड फंजाई बैक टू प्लांट, तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा है कि नहीं, इट्स नॉट गुड। तो आप जब नॉट गुड है तो एक और फाइलम बनाओ, तो इसीलिए उसके बाद आ गया हमारा क्या फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, इसको किसने प्रपोज किया था, कोपलैंड एट एल, एट एल रो माने उची एंड अदर्स, ओके तो याद रखना एट एल का मतलब होता है एंड अदर्स। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो प्रोकैरियोट्स एंड जो प्रोटिस्टा में जो थे उनको अलग अलग कर दिया, ठीक है, सो नाउ व्हाट ही डिड ही सेपरेटेड, तब उन्होंने चार किंगडम बना दिया, ओके सो ही डिवाइडेड इट इनटू फोर किंगडम्स, ठीक है। तो सबसे पहला कौन सा था, तो नंबर वन दे पुट बैक्टीरिया, एंड बैक्टीरिया को उन्होंने क्या बोला था, दे कॉल्ड इट माइकोटा, नो सो दे कॉल्ड इट माइकोटा। सेकेंड दे कॉल्ड इट प्रोटोक्टिस्टा, तुम क्या बोलते हो जरूर नहीं, उन्होंने क्या बोला था वो जानना जरूरी है। थर्ड वाज प्लांटी एंड फोर्थ एज यूजुअल वाज एनिमेलिया, है कि नहीं। तो एक्चुअली उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरा जो फोर किंगडम क्लासिफाई किया। तो व्हाट इज माइकोटा, तो माइकोटा में उन्होंने रख लिया किसको, तो दे प्लेस्ड ऑल प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, तो जितने भी प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स थे उसको हमने क्या किया, हमने प्लेस कर दिया इसमें माइकोटा में, ओके सेकेंड पॉइंट, ओके उसमें सेकेंड पॉइंट द टर्म, तो हु कॉइंड द टर्म मोनेरा, द टर्म मोनेरा वाज प्रपोज्ड लेटर फॉर माइकोटा बाई डोहर्टी, ओके तो डोहर्टी ने क्या किया, आपका मोनेरा को बदल के माइकोटा बना दिया है क्या, फॉर मोनेरा माइकोटा के जगह पर मोनेरा बना दिया, अंडरस्टूड, तो दे रिप्लेस द वर्ड माइकोटा एंड यूज्ड व्हाट, यूज्ड मोनेरा, ठीक है। सो दिस वाज द चेंज दैट वाज प्रपोज्ड बाय डोहर्टी। प्रोटोक्टिस्टा में क्या रखे थे उन लोगों ने, तो प्रोटोक्टिस्टा में ऑल यूनिसेल्यूलर कॉमा यू कैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वर प्लेस्ड, ठीक है, तो ऑल प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म वर प्लेस्ड कॉमा बोथ ऑटोट्रॉफिक और एंड हेटेरोट्रॉफिक, तो सबको यहाँ इकट्ठा डाल दिया, ओके हेटेरोट्रॉफिक, आई समझ। नाउ प्लांटी कौन था, प्लांटी एनिमल है तो वही वही है, ओके तो प्लांटी दे आर ऑल मल्टी सेल्यूलर
autotrophic organisms. They are called producers. है कि नहीं? आपको पता है कि ये लोग फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो they are called producers. Okay, in the food chain. Now, animals. उसके बाद आ गया फोर्थ वाला एनिमल्स. तो एनिमल्स में उन्होंने क्या लिखा, ऑल मल्टी सेल्यूलर क्या हेटेरोट्रॉफिक, ब्रैकेट रे कौन सा होलोजोइक ऑर्गेनिज्म्स, ठीक है, ऑल मल्टी सेल्यूलर हेटरोस्कोपिक हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म्स इसको प्लेस किया. नाउ प्रॉब्लम एरिया यहाँ क्या था, व्हाट वाज द प्रॉब्लम, तो इसमें प्रॉब्लम ये था, ये फोर किंगडम क्लासिफिकेशन रो असुविधा कौन हैला, दैट फंजाई प्लेसमेंट ऑफ फंजाई इन प्लांटी वाज स्टिल डिबेटेबल, है कि नहीं, तो अभी भी उन्होंने क्या किया, दैट फंजाई में प्लांटी को रखा, तो वो ज्यादा डिबेटेबल था. चलिए सो अगेन लेट्स गो बैक टू आवर नोट. तो ये हमारा फोर किंगडम क्लासिफिकेशन है. तो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन में आप क्या देख रहे हो, तो आप देख रहे हैं कि दिस वाज प्रपोज्ड बाय होम, स्टाइनर, वॉन निल एंड फुल्ली डेवलप्ड बाय कोपलैंड. तो इसलिए हमने क्या बोला था, एट एल, याद है. चलिए तो ये आपका हो गया कोपलैंड. तापरे विद एडवांस ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी बैक्टीरिया लुक डिफरेंटली फ्रॉम यूनिसेल्यूलर, हेंस ए न्यू किंगडम माइकोटा वाज क्रिएटेड बाय डोहर्टी, ए वाना कोपलैंड, एंड डोहर्टी ने उसको चेंज कर दिया इनटू मोनेरा, ठीक है. तो उसमें कौन आ गए, यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट्स. ओके नाउ तो द फोर किंगडम्स बन गया प्रोटोक्टिस्टा, देख रहे हो कि नहीं, तो इसलिए उन्होंने प्रोटिस्टा के जगह पर प्रोटोक्टिस्टा को यूज किया. डीमेरिट्स क्या था, फंजाई स्टिल विथ प्लांट्स, है कि नहीं, फंजाई आर स्टिल प्लेस्ड अंडर प्लांटी. नाउ प्रोटोजोअन्स रेड एंड ब्राउन एल्गी आर इंक्लूडेड इन प्रोटोक्टिस्टा, तो ये सब जो है ये थोड़ा ऑड प्लेसमेंट है, ठीक है. तो इसीलिए फिर वी हैड टू प्रपोज द व्हाट, वी हैड टू प्रपोज द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन. तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज बाय हुम, इट वाज प्रपोज बाय विटाकर, रॉबर्ट एच विटाकर. तो ये एक फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है. Okay, it's very, very important. So this is a phylogenetic system, and ये तीन basic points के आधार पे रखा गया है. Complexity of cell, है कि नहीं? So the three basic points are complexity of cell, complexity of organisms, and mode of nutrition. इसके आधार पे all the organisms were placed in फाइव किंगडम्स. तो यह ध्यान दीजिए, सपोज ये है टू किंगडम सिस्टम ऑफ लिनेयस. तो लिनेयस में ये जो ब्लू है ये एनिमल्स है एंड ग्रीन है ये प्लांट्स है. तो फाइव किंगडम विटाकर में आपका मोनेरा आ गया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया. व्हाई इट इज स्प्लिट, क्योंकि वो फिर स्प्लिट हो जाएगा कहां, इन. तो अर्लियर मोनेरा कहां था, प्लांटी. प्रोटिस्टा कहाँ था, प्लांटी में, आधा एनिमलिया में. फंजाई कहाँ था, प्लांटी में. प्लांट्स कहाँ था, प्लांटी में. सो डू अंडरस्टैंड दिस ड्राइंग, इस ड्राइंग का मतलब है ये यहाँ था, ओके मोनेरा. तो दिस इज आर्किबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, प्लांट प्रोटिस्ट, एनिमल प्रोटिस्ट इन एनिमलिया. इसको अलग कलर से करते हैं हम लोग, है कि नहीं, इसको अलग कलर से करेंगे.
तो सपोज हमारा ये फंजाई कहाँ था प्लांटी में, प्लांट्स कहाँ था प्लांटी में. बट अब अगर हम लोग एनिमल्स कहाँ थे एनिमलिया में, एंड एनिमल प्रोटिस्ट कहाँ थे इन प्रोटिस्टा. तो इधर हम लोग लिख लेते हैं